Chilli bubbly, chilli bubbly, इतना छोटा बेबी और तुड़तुड़ी अपने अंडे को लेके यहाँ पर बैठा है। और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास जो बेबी बर्ड था वो लगभग आज 50 से 55 दिन हो गया है, लगभग ये सेल्फ फीडिंग पर आने वाला है। इसी टाइम से इसका थोड़ा चेंजेस, जो फिजिकली चेंजेस है वो भी हमें देखने को मिला है। ज़्यादातर हम इसको 3 टाइम फीड करते थे, लेकिन ये फीड करने के टाइम ये थोड़ा उल्टी करता था और फीडिंग के बाद भी ये थोड़ा उल्टी करके वॉमिट करके बाहर निकाल देता था। लेकिन आज से थोड़ा हमने इसको बॉयल किया हुआ चना और जो कॉर्न यानी भुट्टा, ये दोनों हमने इसको दिया है। इस एज से लगभग बर्ड सेल्फ फीडिंग पर धीरे धीरे आ जाता है, तो बर्ड को जल्दी से जल्दी सेल्फ फीडिंग पर लाने के लिए आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। जब भी बर्ड का एज लगभग 45 डेज के ऊपर हो जाए, और हमारे पास जो ग्रे पैरट है, बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछे कि बेबू कहाँ है, बेबू और बेबी यहाँ पर है। देखिए मैं भी आ गया, ये दोनों भी आ गया। अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि आज हम देखेंगे बर्ड जिसने एग ले किया था क्या प्रोग्रेस है। यहाँ पर हमने जो सीड्स मिक्स है दोपहर के बाद उसको देंगे, इसको बना कर रखे हैं। इसमें हमने रेक्स ऑयल यूज़ किया है, वीकली 4 डेज हम रेक्स ऑयल देते हैं। यह है सीड मिक्स कन्नूर के लिए। अरे बाप रे, दोनों ही अंदर है। और हमारे पास जो तुड़तुड़ी है पाइनएप्पल, उसको भी देखेंगे कितना एग ले किया है। और यहाँ पर हमारा एवियरी का काम चालू है। बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी 10 फीट बाय 20 फीट लॉन्ग होगा। काम चालू है, बहुत ही जल्दी ये भी बना लेंगे। तुड़तुड़ी अपने अंडे को लेके यहाँ पर बैठा है, बहुत केयरिंग करता है अपने अंडे को। इसको आज चेक करेंगे कौन से एक में ब्लड आया है। दो चीज़ मैं केज के अंदर देखे रखता हूँ, ये हाल ही में मैंने स्टार्ट किया है, लगभग 1.5 महीना हुआ है। यह है कटल फिश बोन और यह है कैल्शियम ब्लॉक। ये 10 रुपये में मिल जाता है हमारे यहाँ, लोकल से हमने लिया है। तो चलिए इस बॉक्स को देख लेते हैं। और हमारे घर पे आ गया है हमारा नया मेहमान। अरे बाप रे, बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है। एकदम छोटा सा, मम्मी इसको देखो, ओ मत देखो, देखो माँ, देखो देखो, अरे बाबली उली बाबली, इतना छोटा बेबी। आज इतना खुशी मिल रहा है कि आप सबको क्या बताऊं। बर्ड रखने के बाद कितना सारा पेशेंस, इंतजार करने के बाद आज जो पल हमारे सामने है, ये खुशी आप सबसे किस तरह से मैं बयां करूं वो मुझे भी पता नहीं चल रहा है। इसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो जैसे ही एक से बच्चा निकल के आ जाए, उसके बाद हमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इस पानी में, मैंने पानी के हिसाब से ये 250 ml का बोल है, इस पे मैं 2 ये फुल ड्रॉप मैं न्यूपेप्टिन दे दिया, क्योंकि बेबी के माँ बाप जो खाएगा वही बच्चे के अंदर जाएगा, वही उसको खिलाएगा, उसके अंदर जाएगा। उसके साथ साथ मैं फूड बना रहा हूँ। फूड बनाने के लिए मैं पहले जो फूड देता था उस पे मैं कैल्शियम और बाकी जो विटामिन्स है वो मैं मिक्स करके देता था, लेकिन अभी मैं वो नहीं दूंगा। मैं ओनली उस पेरेंट के लिए मैं जो खाना मैं देता हूँ उसको भिगोने के बाद मैं थोड़ा सा उसको बॉयल कर लेता हूँ, फिर
उसके बाद उसी फूड में, इस फूड में जैसे कि इस तरह मैंने फूड बनाया है, उसी फूड में मैं ये प्रोबायोटिक मैं मिक्स करके दूंगा। जैसे कि नॉर्मली हम हैंड फीडिंग करते हैं, बेबी के हैंड फीडिंग में हम प्रोबायोटिक मिलाते हैं, उसी तरह मैं सेम प्रोसेस मैं उसके माँ बाप के लिए मैं प्रिपेयर करके दूंगा और वही फूड बेबी को खिलाएगा। तो हमारा न्यूपेप्सिन का काम भी हो गया डाइजेशन के लिए, और जो प्रोबायोटिक है वो भी इम्यूनिटी के लिए, बेबी का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम आएगा। निकी को अभी भी मैं रात के टाइम 7 या 7:30 बजे एक बार इन तीनों को मैं हैंड फीडिंग दे देता हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछे कि कितने दिन तक हैंड फीडिंग देना चाहिए, तो ये आपके ऊपर है। मैं अभी भी बेबो को, बेबी को और इन तीनों को हैंड फीडिंग देता हूँ। हैंड फीडिंग आप जितना दिन देंगे उतना अच्छा है बर्ड के लिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना सही था। हमारे घर पे जो खुशी आई है वो आप सब से शेयर भी किए। आप सब भी हमारा फैमिली का हिस्सा है, इसलिए हमारा कर्तव्य है आप सबको ये खुशखबरी देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिए। अगर आपको और कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।